हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरजी ते। हाँ जी, अज दी वीडियो स्पेशली उन्हां विद्यार्थियों लई है जिहड़े वार्ड अटेंडेंट दी पोस्ट दी तैयारी कर रहे ने। इस तों इलावा जिहड़े विद्यार्थी ईटीटी कैडर, मास्टर कैडर जां पंजाब पटवारी दे एग्जाम दी तैयारी कर रहे ने, उन्हां लई वी इह वीडियो काफ़ी हैल्पफुल साबित होवेगी। हाँ जी, जनरल साइंस दे इह क्वेश्चन पंजाब स्टेट एग्जाम विच बहुत वार रिपीट हो चुके हन, तो मैं उम्मीद करांगा तुसी इस वीडियो नू पूरा ते ध्यान नाल वेखोगे। हाँ जी, स्टार्ट करदे हां जी अज दी वीडियो नू। हाँ जी, स्टार्ट करदे हां फर्स्ट क्वेश्चन तो। प्रकाश संश्लेषण हुंदा है। हाँ जी, साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट दिता है जी न्यूक्लियस विच, सैकेंड ऑप्शन हैगा है माइटोकांड्रिया विच, थर्ड ऑप्शन दिता हुआ है क्लोरोप्लास्ट विच, ते फोर्थ दिता है जी परोक्सीमोस विच। हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण हुंदा जी क्लोरोप्लास्ट विच। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, प्रकाश संश्लेषण कहिंदे विच हुंदा जी क्लोरोप्लास्ट विच। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है साइटोलॉजी किसनों कहिंदे हन। हाँ जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा है साइटोलॉजी किसनों कहिंदे हन। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी जीवाणुआं दे अध्ययन नूं, सैकेंड ऑप्शन दिता है फसलों के अध्ययन नूं, थर्ड ऑप्शन दिता है कोशिकावां दे अध्ययन नूं, ते फोर्थ दिता है जी जनसंख्या दे अध्ययन नूं। हाँ जी, साइटोलॉजी किसनों कहा जाता है कोशिकावां दे अध्ययन नूं। हाँ जी, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, बाकी दे ऑप्शन भी वेख लैंदे आ। फस्ट दिता होया जीवाणुआं दे अध्ययन नूं की कहा जाता है। हाँ जी, जीवाणुआं दे अध्ययन नूं कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। हाँ जी, जीवाणुआं दे अध्ययन नूं कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ऑप्शन नंबर वी वेख लैंदे आ। फसलों के अध्ययन नूं की कहा जाता है। हाँ जी, फसलों के अध्ययन नूं कहा जाता है जी एग्रोनोमी, एग्रोनोमी कहा जाता है जी फसलों के अध्ययन नूं। ते ऑप्शन डी हैगा है जनसंख्या के अध्ययन नूं, तां जनसंख्या के अध्ययन नूं कहा जाता जी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है हेठ लिखियां विच किस दा निर्माण साडे शरीर विच नहीं हुंदा। जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। हेठ लिखियां विचों किस दा निर्माण साडे शरीर विच नहीं हुंदा। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा विटामिन ए, सैकेंड दिता है जी प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन हैगा एंजाइम, ते फोर्थ दिता है हारमोन। हाँ जी, साढ़े शरीर विच इन्हां विचों दसना है किस दा निर्माण नहीं हुंदा, तो साढ़े शरीर विच विटामिन ए दा निर्माण जिहड़ा नहीं हुंदा। इस क्वेश्चन दा ऑप्शन फस्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, इस दे नाल ही विटामिन ए की कमी दे नाल किहड़ा रोग हो जाता जी अंधराता, अंधराता जिहड़ा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी दे नाल। अच्छा जी, विटामिन ए सब तो ज़्यादा मात्रा विच किंदे विच पाया जाता जी गाजर विच, ये भी तुसी नोट कर लेना है। सब तो ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर विच, ते विटामिन ए की कमी दे नाल किहड़ा रोग हो जाता है अंधराता। इस तों इलावा प्रोटीन की जेकर आप गल करिए, सब तो ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन दाल विच पाया जाता है। हाँ जी, सब तो ज़्यादा प्रोटीन जड़ा सोयाबीन दाल विच पाया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है जी एड्स बीमारी किदे नाल हुंदी है। हाँ जी, एड्स बीमारी आपां दसनी है किदे नाल हुंदी है। साडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी जीवाणुआं तों, सैकेंड दिता है पानी तों, थर्ड ऑप्शन हैगा है हवा तों, ते फोर्थ दिता जी विषाणुआं तों। हाँ जी, जिहड़ी एड्स बीमारी हैगी है वह किदे कारण हुंदी है जी विषाणुआं तों। ऑप्शन डी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा विषाणुआं तों। इस दे नाल ही एड्स दिवस कदों मनाया जाता जी 1 दिसंबर, एड्स दिवस जिहड़ा कदों मनाया जाता है 1 दिसंबर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा
हेठ लिखिया विचों किस जीव विच लहू नहीं हुंदा पर वो सांस लैंदा है। हाँ जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी। हेठ लिखिया विचों किस जीव विच लहू नहीं हुंदा पर वो सांस लैंदा है। चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा है हाइड्रा, सेकंड दिता जी तलचिटा, फिर हैगा जी ऑप्शन नंबर सी गडोया, तो ऑप्शन डी दिता है मछली। हाँ जी, आपां दसना है वो केड़ा जीव हैगा है जिन्हें विच लहू नहीं हुंदा पर वो सांस लैंदा है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रा। हाँ जी, हाइड्रा एक अजिहा जीव है जिन्हें विच लहू नहीं हुंदा पर वो सांस लैंदा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन हैगा है लाल रक्त कणा का निर्माण साढ़े शरीर विच कित्थे हुंदा है। जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। हाँ जी, आपां दसना है लाल रक्त कणा का निर्माण साढ़े शरीर विच कित्थे हुंदा है। साढ़े कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने। फर्स्ट हैगा जी लीवर, सैकेंड दिता है दिल, थर्ड ऑप्शन हैगा जी बोन मैरो, ते फोर्थ दिता है दिमाग। हाँ जी, लाल रक्त कणा का जिहड़ा निर्माण अपने शरीर विच जिहड़ा कित्थे हुंदा जी, ये हुंदा जी बोन मैरो विच, जिहनूं की कहिंदे ने अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा भी इन्हां नूं कहा जांदा है। हाँ जी, लाल रक्त कणा का निर्माण कित्थे हुंदा है, बोन मैरो विच, जिहदा सैकेंड नेम की हैगा जी अस्थि मज्जा। हुण जी लाल रक्त कण यानी कि RBC, इन्हां बारे कुछ जान लैंदे आपां। इन्हां दा जीवन काल की गल करिए, जीवन काल इन्हां दा हुंदा जी 120 दिन। 120 दिन इन्हां दा जिहड़ा जीवन काल हुंदा है, ते इन्हां दा जिहड़ा कब्रिस्तान किहनूं कहा जांदा है, RBC दा कब्रिस्तान कहा जांदा जी पलीहा नूं। पलीहा नूं RBC दा कब्रिस्तान कहा जांदा है, या फिर इसका सैकेंड नेम हैगा जी सप्लिन। सप्लिन भी इहनूं कहा जांदा है। RBC दा जिहड़ा कब्रिस्तान हैगा वो हैगा जी पलीहा, जिहदा सैकेंड नेम हैगा सप्लिन। तो इस तों पहला आपां पढ़े सी कि RBC दा जिहड़ा जीवन काल किन्ना हैगा 120 दिन। इस तों इलावा जेकर आपां RBC दे कम की गल करिए, कम हुंदा अपने शरीर विच RBC दे, हाँ जी मेन दो कम हैगे है, एक तो ऑक्सीजन पहुँचाना, ऑक्सीजन पहुँचाना, तो सेकेंड का कम हैगा जी कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना। जिहड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी वापस लेके आना। इस तों इलावा RBC दे आपां होर गल करिए, जिवें RBC सौंदे टाइम इन्हां दी जिहड़ी 5% की कमी हो जाती है। जदों आपां सौंदे हाँ तो RBC सैल विच 5% जिहड़ी कमी हो जाती है सौन टाइम। इस तों इलावा जदों आपां 4200 मीटर की ऊंचाई ते जांदे हाँ, 4200 मीटर की ऊंचाई ते जांदे हाँ, तो RBC विच जिहड़ा की है 30% का वाधा हुंदा है। फिर तो रिपीट कर दिंदे हाँ, फर्स्ट की है सौन दे टाइम की है RBC जिहड़े हुंदे है रेड ब्लड सैल, इन्हां विच 5% की कमी आ जाती है। तो सैकेंड पॉइंट की हैगा सी, जदों आपां 4200 मीटर की ऊंचाई तक जाने हाँ तो की हो जाता है, इन्हां विच 30% का वाधा हुंदा। हाँ जी, इसे दे नाल ही एक क्वेश्चन होर बनता है, जिवें कि RBC की संख्या किस यंत्र नाल मापी जाती है। हाँ जी, साढ़े शरीर में जिहड़े रेड ब्लड सैल होंदे ने उन्हां दी जिहड़ी आपां गिणती किस यंत्र नाल मापदे हाँ, तो उसका नाम हैगा जी हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर नाल मापी जाती है। इस तों इलावा RBC का दूजा नाम की हैगा जी अरिथोसाइट। अरिथोसाइट RBC का सैकेंड नेम की हैगा जी अरिथोसाइट। हाँ जी, फिर तो रिपीट कर दें, RBC नाल आपां रिलेटेड जिनी भी जानकारी पढ़ी है, सब तो पहला आपां पढ़िया जी कि RBC का जिहड़ा की है निर्माण साढ़े शरीर विच कित्थे हुंदा है, ये हुंदा जी अस्थि मज्जा विच, यानी कि
बोन मेरो विच। उस तो बाद आपां पढ़िया आरबीसी का जीवन काल किन्ना हुंदा है 120 दिन। इस तो बाद आरबीसी का कब्रिस्तान किहड़ा हुंदा जी, वह हुंदा जी पलीहा, जिन्हों सैकेंड नेम की दिता सी सप्लिन। इस तो अलावा आरबीसी दे आपां कम पढ़े सी, दो कम हैगे मेन, एक ऑक्सीजन पहुँचाना ते दूजा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना। इस तो अलावा आरबीसी सौंदे टाइम इन्हां विच की हुंदा है 5% की कमी हो जाती है, ते जदों आपां 4200 मीटर की उचाई ते जांदे आं तां इन्हां विच 30% का जिहड़ा वाधा हो जाता है। इस तो अलावा आपां पढ़े सी कि आरबीसी की संख्या जिन्हां आपां किस यंत्र नाल माप सकते हैं, तो वह यंत्र हैगा जी हीमोसाइटोमीटर। इस यंत्र की वरतों नाल इन्हां दी संख्या आपां जिहड़ी माप सकते हैं। इस तो अलावा आरबीसी का दूजा नाम की हैगा सी, आरबीसी का दूजा नाम हैगा जी एरिथ्रोसाइट। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है, वाधा करन वाले हारमोन किस विच बनते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। साढ़े शरीर विच वाधा करन वाले हारमोन कित्थे बनते हैं। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट दिता जी पिट्यूटरी ग्रंथी विच, सेकंड दिता है हड्डियां विच, थर्ड ऑप्शन दिता है थायराइड ग्रंथी विच, ते फोर्थ हैगा मूँह विच। हाँ जी, वाधा करन वाले हारमोन शरीर विच कित्थे बनते हैं। हाँ जी, तो ये कित्थे बनते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथी विच। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथी, यानी इहनूं कहिंदे ने पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना है जी, लार किस दे पाचन विच सहायता करती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आपां दसना जी लार किस दे पाचन विच सहायता करती है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट है चर्बी, सैकेंड है जी स्टार्च, थर्ड ऑप्शन दिता है प्रोटीन, ते फोर्थ है विटामिन। हाँ जी, जिहड़ी लार हैगी है वो स्टार्च दे पाचन विच जिहड़ी सहायता करती है। इस तो अलावा स्टार्च विच एक टाइलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, किहड़ा पदार्थ, टाइलिन, टाइलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिहड़ा स्टार्च दे पाचन विच मदद करता है। हाँ जी, ये जिहड़ा नाम है तुसी याद करना है, स्टार्च विच टाइलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिहड़ा स्टार्च दे पाचन विच मदद करता है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन आता है, सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है। जी, साढ़े को चार ऑप्शन दिते ने, आपां दसना जी सफेद फुसफुस रोग किन्ना विच पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिता है कागज़ उद्योग के कर्मचारियों विच, सैकेंड दिता जी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों विच, थर्ड ऑप्शन दिता है कपास उद्योगों के कर्मचारियों विच, ते फोर्थ हैगा जी पीड़नाशक उद्योगों के कर्मचारियों विच। जी, आपां दसना है कि जिहड़ा सफेद फुसफुस रोग हैगा जिहड़ा वो किन्ना विच पाया जाता है। हाँ जी, तो यह है जिहड़ा सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों विच पाया जाता है। ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों विच। इस तो अलावा जिहड़े, हाँ जी, इत्थों एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काले फेफड़िया का रोग किन्ना विच पाया जाता है। हाँ जी, काले फेफड़िया का रोग जिहड़ा कोले दियां खानां विच कम करन वाले लोकां नूं हुंदा है जी। फिर तो रिपीट कर देने, काले फेफड़िया का रोग जिहड़ा वो कोले दियां खानां विच कम करन वाले लोकां नूं हुंदा है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है, थायराइड ग्रंथी की असमान वाधा किस कारण हुंदा है। हाँ जी, थायराइड ग्रंथी का असमान वाधा किस कारण हुंदा है। हाँ जी, चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट दिता जी आयोडीन, सेकेंड दिता है लोहा, थर्ड ऑप्शन दिता जी कैल्शियम, ते फोर्थ अपने कोल दिता है पोटाशियम। हाँ जी, आपां दसना है थायराइड ग्रंथी दे असमान वाधा किस कारण जिहड़ा हुंदा है। हाँ जी, तां इह वाधा हुंदा है जी आयोडीन की कमी कारण। ऑप्शन फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथी का असमान वाधा जिहड़ा हुंदा है। इस तो अलावा ऑप्शन नंबर बी दिता है लोहे, तो लोहे की कमी कारण की होंगे एनीमिया रोग, एनीमिया रोग जिहड़ा होंगे
वो होंगे जी लोहे की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता जी हड्डिया का रोग, हड्डिया कमजोर आप जिन्होंने कह सकते हैं हड्डिया कमजोर हो जाए किंदे कारण कैल्शियम की कमी के कारण। तो ऑप्शन डी दिता है जी पोटाशियम, तो पोटाशियम की कमी के कारण खून का जिहड़ा थक्का जमना वो बंद हो जाता या फिर खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता। फिर तो रिपीट कर देने क्वेश्चन, क्वेश्चन हैगा सी थायराइड ग्रंथि का असमान वाधा किस कारण होंगे जी, थायराइड ग्रंथि का असमान वाधा किन कारण होंगे, आयोडीन की कमी के कारण होंगे। इस तो अलावा ऑप्शन बी दिता सी लोहा, तो लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। ऑप्शन सी है कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ कमजोर हो जाती ने। ऑप्शन डी दिता है पोटाशियम, तो पोटाशियम की कमी के कारण क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, जी साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी, नैक्सट क्वेश्चन है अपना वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेठ लिखिया गैसा विच केड़ी गैस सब तो ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पाती है जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, काफ़ी बार एग्जाम विच रिपीट हो चुका है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड दिता है जी मिथेन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, तो फोर्थ दिता है जल वाष्प। जी आप दसना हेठ लिखिया गैसा विच केड़ी गैस सब तो ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव जड़ा पाती है, तो वह हैगा जी सब तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिन्हों कहते हैं, तो सब तो पहले नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तो अलावा CH4 ते O2 ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव पाती ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, नैक्सट क्वेश्चन अपना हैगा है नदियों विच जल प्रदूषण का पता करने किस की खुली हुई मात्रा मापी जाती है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नदियों में जल प्रदूषण का पता करने लिए किस की खुली हुई मात्रा आप मापते हैं, जिस नाल आपां नूं पता चल जाता है कि जल जिहड़ा वो प्रदूषित है। हाँ जी साडे कोल चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है क्लोरीन, सैकेंड है जी नाइट्रोजन, थर्ड है ओजोन, तो फोर्थ है ऑक्सीजन। हाँ जी आप किस की मदद नाल पता करते हैं, वो है जी ऑक्सीजन की मदद नाल, ऑक्सीजन की खुली हुई मात्रा के नाल आपां पता चलता है कि पानी जिहड़ा किन्ना वो प्रदूषित होया है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है साधारण मनुखी शरीर में कितनी हड्डियां होंदिया हैं। हाँ जी वेरी ईजी क्वेश्चन है, चार ऑप्शन ने, फस्ट है 214, सैकेंड दिता है 206, थर्ड ऑप्शन है जी 254, तो फोर्थ दिता है पता नहीं। हाँ जी साधारण मनुखी शरीर में कितनी हड्डियां होंदिया ने, ऑप्शन नंबर बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा 206। तो नवें जमे बच्चे किन्नी होंगे ने 300, नवें जमे बच्चे जी हड्डियाँ किन्नी होंगे ने 300। इस तो अलावा क्वेश्चन बनता है कि शरीर में सब तो वड्डी हड्डी कैड़ी होंगी है, ये होंगी है जी फीमर की, फीमर जिन्हों जांग की हड्डी भी कहा जाता है, जांग की हड्डी। तो सब तो छोटी हड्डी की आप जेकर गल करिए तो वह होंगे जी स्टेपीज, स्टेपीज ये हड्डी होंगी जी कान विच, कान विच सॉरी बागड़ी बोल गया कान, तो होंगी जी कान विच। फिर तो रिपीट कर देने, सब तो वड्डी हड्डी होंगी है फीमर जांग की हड्डी, तो सब तो छोटी होंगी जी स्टेपीज कान की हड्डी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, जी अपना नैक्सट क्वेश्चन है इनफ्लूएंजा रोग किस कारण होंगे जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इनफ्लूएंजा रोग किस कारण होंगे। साडे कोल चार ऑप्शन है, फर्स्ट है विषाणुआ कारण, सैकेंड दिता जीवाणुआ कारण, थर्ड ऑप्शन है जी कवक के कारण, तो फोर्थ है शैवाल के कारण। हाँ जी इनफ्लूएंजा रोग यह होंगे जी विषाणुआ के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा, इनफ्लूएंजा रोग जिहड़ा होंगे है यह होंगे जी विषाणुआ के कारण। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है जी पानी विच घुलनशील विटामिन केड़ा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप ट्रिक दे नाल भी याद करांगे कि पानी विच घुलनशील विटामिन केड़े होंगे ने, ते वसा यानी चर्बी विच घुलनशील विटामिन केड़े होंगे। पहला आप क्वेश्चन का आंसर दसीए,
पानी विच घुलनशील विटामिन केड़ा हुंदा है? हाँ जी, चार ऑप्शन है। फर्स्ट है विटामिन ए, सैकेंड है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ देता है विटामिन ई। तो पानी विच घुलनशील विटामिन इन विचों है जी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी ही अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। हुण आपां ट्रिक दे नाल याद कर दिंदे आ। आपां दो गलास लैंदे आ, ए ते आ गलास है जिहड़ा बी। एक विच आपां की है चर्बी पाई है, तो दूजे विच हैगा जी वाटर। हुण मैं तुहानूं ट्रिक दसन जा रहा, इस दे नाल तुहानूं याद हो जाएगा कि पानी विच घुलनशील विटामिन कहड़े हुंदे ने, ते चर्बी विच आपां उस तो बाद इहदे विच की पाने जी एक कीड़ा पाने। चर्बी विच आपां एक छोटा जिहा कीड़ा पाया, तो कीड़ा की है इहदे विच अंदर डुब जांदा है। तो दूजे पासे बी गिलास विच आपां वी आ ही कीड़ा पाने, तो आह कीड़ा जिहड़ा पानी दे उत्ते जिहड़ा तैरन लग जांदा है, तैरदा है। हुण जिहड़ा कीड़ा है, कीड़े वर्ड तों आपां के ई डी ते ए, ये जिहड़े विटामिन हैगे ने। विटामिन किन्ने हुंदे ने? छे विटामिन हुंदे ने, किहड़े? ए बी सी डी ई ते के, टोटल छे विटामिन हुंदे ने। हुण वेखो जिहड़ा फस्ट गिलास हैगा सी चर्बी वाला, इहदे विच की है कीड़ा जिहड़ा डुब जांदा है, यानी कि कीड़ा जिहड़ा घुल जांदा है। तां चर्बी विच घुलनशील विटामिन किहड़े हैगे ने? कीड़ा, कीड़ा वर्ड तुसीं याद रखना के इहदे नाल विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ते विटामिन ए। हाँ जी, ये चार विटामिन ने जिहड़े चर्बी च घुलनशील ने, ते बाकी बचे किहड़े? विटामिन बी ते सी। हाँ जी, ये विटामिन ने जिहड़े पानी विच घुलनशील ने। हुण आपां क्वेश्चन वाल वेखदे आं, पानी विच घुलनशील विटामिन किहड़ा है? तां पानी विच दो घुलनशील हैगे ने, बी ते सी। ऑप्शन विच किहड़ा है? ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। तुसीं किन्ना याद रखना? बस जिहड़ा कीड़ा वर्ड तुसीं याद रखना, चर्बी विच कीड़ा जिहड़ा डुब जांदा है, इस दे नाल आपां की कहिंदे आं कि चर्बी विच कीड़ा जिहड़ा घुल गया। तो चर्बी विच घुलनशील विटामिन किहड़े हैगे ने? कीड़ा वर्ड हैगा जे के ई डी ते ए, ये चार विटामिन जिहड़े चर्बी विच घुलनशील ने, ते पानी विच बी ते सी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, हेठ लिखिया विचों किहड़ा वायुमंडल विच ओजोन परत की मोटाई मापण की इकाई है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आपां वायुमंडल विच ओजोन परत की मोटाई मापण वाली इकाई जिहड़ी दसनी है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता है नाट, सैकेंड दिता है डापसन, थर्ड है दुरबीन, तो फोर्थ है मैक्सवेल। हाँ जी, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापन वाली इकाई जी कि है डापसन। ऑप्शन बी है जिहड़ा अपना करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, हेठ लिखिया विच किस कारण टमाटर का रंग लाल हुंदा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता है कैरोटीन, सैकेंड दिता जी एथोसाइनिन, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपीन, तो फोर्थ है इन्हों विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां दसना है कि टमाटर का रंग जिहड़ा वो लाल किस दे कारण हुंदा है। हाँ जी, टमाटर का रंग जिहड़ा लाल हुंदा है वो लाइकोपीन दे कारण हुंदा है। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन आता है, इंसुलिन विच हेठ लिखिया विचों किहड़ी धात हुंदी है? हाँ जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट है टीन, सैकेंड दिता जी तांबा, थर्ड ऑप्शन है जस्ता, तो फोर्थ है उपर दिसते सारे। हाँ जी, आपां दसना है इंसुलिन विच किहड़ी धात हुंदी है? तो इंसुलिन विच हुंदी है जी जस्ता। ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तों अलावा एक क्वेश्चन होर बनता है कि इंसुलिन की कमी के कारण किहड़ा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण शुगर रोग आपां हो जाता है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा संसार का सब तो वड्डा फुल है? जी, चार फुल दिते हुए ने, फर्स्ट दिता है कमल, सैकेंड हैगा जी सूरजमुखी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी रेफलीसिया, तो फोर्थ दिता है लिली। हाँ जी, आपां दसना है संसार का सब तो वड्डा फुल, तो संसार का सब तो वड्डा फुल हैगा जी रेफलीसिया। हाँ जी, इस तों अलावा भारत का राष्ट्रीय फुल किहड़ा हैगा जी? कमल का फुल। हाँ जी, अज के लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं, खून की कमी का रोग किस की कमी कारण हुंदा है? हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। खून की कमी का रोग किस की कमी के कारण हुंदा है? चार ऑप्शन दिते ने, फर्स्ट हैगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, सैकेंड हैगा जी आयोडीन की कमी के कारण, थर्ड ऑप्शन हैगा विटामिन सी की कमी के कारण, तो फोर्थ दिता है विटामिन डी की कमी के कारण। हाँ जी, खून की कमी का रोग
किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। हाँ जी, हेमोग्लोबिन किन विच होता है? ये आरबीसी विच होता है जी। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण किहड़ा रोग हो जाता है? खून की कमी हो जाती है। हाँ जी, इस तों इलावा आयोडीन की कमी के कारण किहड़ा रोग हो जाता है? गले का रोग, गले का रोग हो जाता है जी। आयोडीन की कमी के कारण विटामिन सी के कारण किहड़ा रोग हो जाता है? सक्करवी। तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस, रिकेटस रोग जिहड़ा हो जाता है। इस तों इलावा विटामिन बी के कारण बेरीबेरी का रोग हो जाता है। हाँ जी, अज की वीडियो इत समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी है, हैल्पफुल लगी है, तो वीडियो नू लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। हाँ जी, वीडियो नू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिथे भी तुसी शेयर करना चाहते हो, वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी शेयर करना है जी। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से। उदों तक दे लई टेक केयर। नाले एक गल होर, जेकर तुसी साडे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, फस्ट टाइम साडी वीडियो वेख रहे हो, पहली बार साडे चैनल ते आए हो, तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस करना, जिस दे नाल की हुंदा जी तुहानू साडी हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। जदों तुसी बैल आइकन ते क्लिक करोगे तां इस साइड तीन ऑप्शन आएंगे, इस साइड तुसी ऑल ते क्लिक करना जी, ता जो तुहानू साडी हरेक वीडियो की नवी नोटिफिकेशन वो टाइम दे नाल मिलती रहे। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से। उदों तक दे लई टेक केयर।